हेलो एवरीवन, पाइथन वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम उनको प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं बेसिकली, सो क्योंकि हम भूल ना जाएं, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ते हो, फिर मैं थोड़ा सा लैब भी करा देता हूँ, प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, बट उसके अलावा हमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डेली डालनी पड़ेगी अब, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आपसे सबसे पहला जो राउंड होगा वो इसी चीज़ का ही होगा। आपके जो कोडिंग राउंड होता है उसमें आपसे कोई प्रॉब्लम देंगे और वो आपको पाइथन के कोड के थ्रू या जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसके थ्रू आपको ये सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि बट आप पाइथन सीख रहे हो तो आपको पाइथन में सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल है जो हम अभी सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद थोड़े और थोड़े टफ ले लेंगे क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आज का जो क्वेश्चन पहला हम सॉल्व करना चाहेंगे वो है कि आपको एक नंबर्स की लिस्ट दे रखी है और आपको फाइनल में उसका सम, जो लिस्ट के जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ के जितना भी उनका जोड़ है, जितना उनका सम है, वो आपको आउटपुट में देना है। ठीक है, सिंपल सा है। और इसमें सबसे पहले आपको एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये नम लिस्ट है, ऐसी थी 1 7 9 13 16 और आउटपुट था 36, तो इसका जो इन सबको जोड़ दोगे ना तो ये 36 आता है। तो इनपुट होगा आपका ये लिस्ट और आउटपुट होगा जो इनका सम है। अब आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया हो, अगर नहीं किया तो हम इसको यहाँ पे समझते हैं, फिर आगे भी इसको एडिटर में इसको लिखेंगे। नाउ अब आप यहाँ देखिए कि आपको लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम करना है। ओके, तो एक चीज़ दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि पहले हम 1 लेंगे, फिर उसको 7 में जोड़ेंगे, फिर 9 को जोड़ेंगे, जो भी इसका रिजल्ट होगा फिर उसको 9 में, फिर जो इन तीनों का रिजल्ट होगा उसको 13 में, और फिर जो इन चारों का रिजल्ट होगा उसको 6 में जोड़ेंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आप यहाँ देखो एक टास्क यहाँ बार बार परफॉर्म हो रही है, देखो प्लस बार बार परफॉर्म हो, तो जब भी कोई टास्क बार बार परफॉर्म होती है तो वहीं से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि फॉर लूप लगाना है। ओके, जब कंडीशन होती हैं, जब किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ एग्जीक्यूट कराना है तो इफ एल्स लेते हैं, वाइल ले सकते हो। ओके, बट अगर कोई टास्क बार बार एग्जीक्यूट हो रही है तो सीधे फॉर लूप दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि देखो चार पांच चीज़ें ही हैं पाइथन में, ज़्यादा कुछ नहीं है झमेला, तो इसलिए सिंपल सा सीधे दिमाग लगाएं। अब इसको फॉर लूप के थ्रू सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कि फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रही है ना कैलकुलेशन। तो लेट्स से फॉर लूप कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही है, नहीं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ओके, ना ये नम लिस्ट है, ये आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई नम लिस्ट लिख लो, 1 7 9 8 13। अब हम रिजल्ट को सेव कर लेते हैं लेट्स से RES में। ओके, और इनिशियल में क्योंकि ये कंटेन करेगा, ये जो डिब्बा है ये इसके अंदर आएगा सबका सम। ओके, तो इनिशियल में इसका सम क्या है, 0, तो इनिशियल इसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करनी है आपको। ओके, इनिशियल में तो कुछ भी नहीं है, सम खाली है एकदम 0 ना हो। फॉर लूप को लगाओ, यहाँ पे लिखो जिसके अंदर बार बार एक एक करके हर एक एलिमेंट आएगा। ओके, फॉर आइटम इन नम लिस्ट, यहाँ पे सीक्वेंस देना होता था, तो नम लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं एक एक करके 1 बाय 1 इसमें आएंगे, पहले 1 आएगा, फिर ये यहाँ पे जो भी टास्क होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो टास्क क्या है हमारा, इसके अंदर हम जोड़ को डाल रहे हैं ना, रिस्पॉन्स के अंदर इस डिब्बे के अंदर हमारा सम रहेगा अब तक का, तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स प्लस आइटम। अब
अब आपने कंपाउंड ऑपरेटर पढ़े होंगे जो कि इस स्टेटमेंट को छोटा कर देता है। अगर यहाँ और यहाँ सेम वेरिएबल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं आपके। रिस्पॉन्स प्लस इक्वल टू आइटम, इस स्टेटमेंट को ऐसे छोटा बना सकते हो। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट वन हो गई और बस इतना ही है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। आखिरी में फॉर लूप के बाहर आ जाओ, तो ये तो फॉर लूप के अंदर था, ये हम बाहर आ गए फॉर लूप के, और प्रिंट कर दो, लिखो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अंदर डाल लो मोस्टली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखने की। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में भी आपको समझाया ही था कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। तो एफ लगाते हैं, फिर स्ट्रिंग चालू, डबल कोट्स में अंदर लिखो रिजल्ट ऑफ सम, लिस्ट सम, लिस्ट सम इज, यहाँ पे वेरिएबल डाल दो रिजल्ट, इसको बंद कर दो, ख़त्म, कोड आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूशन हो कैसे रहा है अंदर से। देखो मैं आपको इतना बेसिक एग्जांपल खोल के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठें कि कंप्यूटर के अंदर ये सब होता कैसे, ये जो मैंने कोड लिखा है इसके पीछे रीज़न क्या था फॉर लूप लेने का, वो मैंने आपको बताया। फिर ये जो कोड लिखा है, ये जो कोड लिखा है रिस्पॉन्स प्लस इक्वल टू आइटम, ये बताया कि इसको छोटा करके लिखा है। अब ये बताता हूँ मैं आपको कि ये ऐसे ही क्यों लिखा। ठीक है, रीज़न ये है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हो, आपको कुछ भी नहीं आता और आप बिल्कुल इनिशियल से चालू कर रहे हो और आप एक एक चीज़ सीखो समझो इन डीप। तो यही रीज़न है कि इतना छोटा क्वेश्चन मैं आपको इतना टाइम लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको समझते हैं ये हो कैसे रहा है। ठीक है, पहला यहाँ आया, यहाँ एक लिस्ट डिफाइंड थी, ओके, यहाँ ये लिस्ट इसके दिमाग में चले गई, कंप्यूटर के मतलब इस डिब्बे में ये लिस्ट चली गई। नाउ ये एक और डिब्बा था रिस्पॉन्स नाम का, इसमें वैल्यू ज़ीरो, हम चाहते हैं कि इसमें सम को हम अपना, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर सेव हो, हम ये चाहते थे। ठीक है, अब ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप एक एक आइटम के ऊपर घूमेगा। ठीक है, ये सैर करेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, मैंने काफ़ी गंदा कर दिया, अब इसको साफ कर देते हैं। नाउ अब ये जो फॉर लूप है एक एक आइटम के ऊपर घूमेगा। ऑलराइट, नाउ अब इसको देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या हो, इस नम लिस्ट में से ये जो वन है ये आइटम के अंदर सेव होगा। ओके, इसको बोलेंगे पहला चक्कर, ये मतलब बहुत सारे चक्कर लगा रहा है, उसको इटरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब हम इटरेशन में ही बात करेंगे। तो इटरेशन वन, इटरेशन वन में क्या हुआ, आइटम की वैल्यू क्या थी, वन, क्योंकि लिस्ट में से आइटम में वन आ गया। ओके, अब जो नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा वो होगा रिस्पॉन्स प्लस इक्वल टू आइटम, जिसका मतलब ये था कि रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स प्लस आइटम। ठीक है, और आर ई एस की वैल्यू क्या थी, इसकी इसकी इनिशियल वैल्यू थी ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो लिखो। आइटम की वैल्यू क्या है, वन, वन लिखो। अब रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या हो गई, वन, रिजल्ट की, सॉरी। ओके, अभी ये इसी के दायरे में घूमता रहेगा। अब लूप के अंदर क्या होता है, वो दोबारा यहाँ आता है, वो जब तक चलता है लूप जब तक सीक्वेंस खत्म नहीं होता। ठीक है, ये सीक्वेंस ये खत्म नहीं होता जब तक, ये जब तक चलेगा, मतलब यहीं पे ही चक्कर लगाता रहेगा। जैसे वो कुत्ता अपनी पूंछ को देख के वो घूमता रहता है ना, घूमता रहता है, वो ऐसे ही है, मतलब ये लूप ऐसे ही घूमता रहता है। अब आ जाओ इटरेशन नंबर टू, इटरेशन नंबर टू के अंदर अभी आर ई एस की वैल्यू मॉडिफाई होके वन हो चुकी थी। अब दोबारा आया आइटम के अंदर, दूसरा आइटम आएगा, ये सात नंबर इसमें चला जाएगा। ठीक है, एक एक करके आते हैं, सात इसमें आ जाएगा।
अब रिजल्ट आपका, रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट प्लस आइटम। रिजल्ट क्या है, 1, आइटम क्या है, 7, रिजल्ट क्या हो गया, 8। ओके, अब जो रिजल्ट की वैल्यू हो गई है वो हो गई है 8। अब इटरेशन नंबर 3, रिजल्ट क्या है, 8। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस आइटम। इटरेशन 3 में आइटम क्या आया, 9, इसके अंदर आइटम इक्वल टू 9, तो अब होगा 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। ठीक है, यहाँ पे आया 17, 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पे। ठीक है, 8 17 8 25। अब 17 की जगह हो जाएगा 25, 8 की जगह 13 आ जाएगा। 25 में 13 जोड़ दो, ये रिजल्ट में सेव होएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 38। ओके, ये अड़तीस। ओके, अब ये 38 25 की जगह ले लेगा और यहाँ पे क्या आएगा, 13 की जगह कुछ भी नहीं है, तो आइटम में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। और लूप के एंड में क्या वैल्यू थी रिजल्ट की, 38, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये लॉजिक से कैलकुलेशन हुई है। तो आई होप आपको फॉर लूप का एग्जीक्यूशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, लंबा नहीं बनाते वीडियो को। ओके, सो VS कोड एडिटर के अंदर आ गए हैं और जैसा आपने कोड देखा था उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक नम लिस्ट ले लेते हैं, कोई भी डेमो नम लिस्ट ले लेते हैं, इसको बोलते हैं 1 4 5 7 9। ओके, ये इनफ है। अब इनका हमें सम करना है, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सबका सम करना है। तो एक रिजल्ट में इसको सेव कराना है, तो इनिशियल वैल्यू 0। ओके, जैसा कि देखा था आपने, फॉर आइटम इन नम लिस्ट, अब क्या करना है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस नम लिस्ट। ओके, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर, जो कि इसी बिल्कुल सेम है, काम वही करेगी, बस थोड़ी छोटी है आलसी लोगों के लिए बट ये कंप्यूटेशनली भी थोड़ी सी एफिशिएंट होती है। तो बस इतना ही था। तो लूप में बार 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 ये सम रिजल्ट में ऐड होता चला जाएगा और एट द एंड आप इस रिजल्ट को प्रिंट करा लो। आप लिखो सम ऑफ लिस्ट नंबर्स इज दिस रिजल्ट। ओके, एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं इसको, python3 test.py। ओके, सो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट लिस्ट, ओप्स, यहाँ पे आएगा आइटम, रिजल्ट में आइटम जोड़ना है ना, नंबर लिस्ट थोड़ी जोड़ देंगे एक साथ पूरी। ठीक है, तो ऐसे आप समझ भी सकते हो अगर कोई एरर आए तो। सो इट्स गुड टू हैव एरर्स। ये देखिए सम ऑफ लिस्ट नंबर इज 26। हो गए, 5 4 9 1 10 7 17 और 9 26। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।